अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर डूइंग डे 35 एंड आवर हैश हैज 27। आज हमारा हैश 27 है। तो 27 हैश में आज हमारा क्लास वर्क है डू एंड एक्सप्लेन एक्सरसाइज बी एंड सी पेज नंबर 15। ओपन योर बुक्स, वी आर डूइंग द एक्सरसाइज बी एंड सी ऑन पेज नंबर 15। दिस इज एक्सरसाइज बी। Complete the sentences using ea or ing। यहाँ पर आपके पास sentences है, उसमें आपको ea और ing को put करना है। Ali is drink, ing तो क्या बन जाएगा, drinking। Ali is drinking some। What Ali is drinking? He is drinking tea। तो tea आगे बन जाएगा tea। तो यहाँ पर हम ing लगाएंगे और यहाँ पर हमें ea लगाना है, ठीक है। Next is Fizza is eat सम बीन्स एंड मीट। अब देखें, ईट है तो यहाँ पर आई एन जी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। सम बीन्स, ई ए लगा देंगे तो बीन्स बन जाएगा। एंड मीट, यानी कि जो फिज़ा है वो क्या कर रही है, ईटिंग कर रही है, बीन्स और मीट ईट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सारा इज सिटिंग एंड रीडिंग। शी इज सारा एंड शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड व्हाट शी इज डूइंग, शी इज रीडिंग बुक। सो यहाँ पर भी आई एन जी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ई ए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज डैडी इज स्विमिंग इन द वाटर। व्हाट द डैडी इज डूइंग, डैडी इज स्विमिंग इन द वाटर। सो व्हाट डू यू राइट हियर, आई एन जी, राइट। सी, एक्सरसाइज बी इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज सी। पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। आपके पास ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन करेक्ट कॉलम में आपको पुट करने हैं। केक्स, मैंगोज, बीन्स, एग्स, आइसक्रीम एंड स्वीट्स। स्वीट फूड है और यहाँ पर है सॉल्टी फूड है। आप देखें, स्वीट फूड मैंने यानी कि आपके पास जो शुगर वाले फूड होते हैं ना वो, और जो सॉल्टी फूड है वो क्या है, नमक वाले, ठीक है। अब यहाँ देखिए, केक्स जो है स्वीट होता है, मैंगो ऑल्सो स्वीट्स, बीन्स क्या होता है, सॉल्टी होते हैं, ठीक है। एग्स भी सॉल्टी, आइसक्रीम स्वीट एंड स्वीट्स आर स्वीटी, ठीक है, स्वीट फूड्स, ठीक है। आपको एक्सरसाइज बी एंड सी जो है बुक में ही करनी है, पेज नंबर 15 पर, राइट। उसके बाद हम जो है थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का और यूज़ ऑफ ईए और आईएनजी सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमें क्या याद करना होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, आपके पास सबसे पहले आपके पास आ रहा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपके पास आएगा इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बिना हम कोई सेंटेंस भी नहीं बना सकते और ना ही हमारा कोई वर्ड कंप्लीट होता है सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। सब्जेक्ट में आप आई ले सकते हैं, ही शी इट, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। हमेशा आई के साथ एम लगता है, ठीक है। ही शी और इट के साथ हमेशा इज आएगा, वी दे यू के साथ जो है आर आएगा। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा कर आई एन जी पुट करके देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, आई से हमने जो सेंटेंस बनाया, आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, दे आर प्लेइंग विद द बॉल, ठीक है। यहाँ से हमने जो है आई से भी बना लिया कि आई के साथ हमें एम यूज़ करना है, शी के साथ हमने इज़ लगाया है, ठीक है, दे के साथ हमने आर। आप भी इसी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं और जो है समझ सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर याद होगा ना, उसके बाद आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मेनली आपको स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस और सिंपल टेंस में हम डेली रूटीन पे यूज़ करते हैं और ये वो कंटिन्यूस है जो काम जारी है। आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रही हूँ। शी इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा खा रही है, उसने अभी तक ख़त्म नहीं किया है, वो कंटिन्यू कर रही है, खा ही जा रही है। दे आर प्लेइंग विद अ बॉल, वो लोग बॉल से खेल रहे हैं, अब तक उन्होंने कम्प्लीट नहीं किया, वो अभी भी खेल रहे हैं। जो काम जारी रखा जाता है, कंटिन्यू जा रहा है, वो कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, राइट। अच्छा, यहाँ देखिए, आपके पास ई और आई एन जी वाले वर्ड्स हैं। ई ए वाले वर्ड्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टी, मीट, बीन, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हो गए, बियर, ठीक है, इस तरह के। आई एन जी आप देखें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, रीडिंग,
स्लीपिंग, यानी कि जहाँ पर भी आपके पास एक्शन वर्ड्स आएंगे वहाँ पर सब जगह पर आपके पास आई एन जी पुट होगा, और ये सारे फोनिक्स वर्ड्स हैं ठीक है, आई एन जी वाले और ई ए वाले भी। सो ये हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एग्जांपल दे रहे हैं तो वहाँ पर आप ये वर्ड्स ये यूज़ कर सकते हैं ठीक है। अब हम अपने होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, आपका होमवर्क ये है कि डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज बी एंड सी ऑन पेज नंबर 15। जो हमने आज पेज नंबर 15 पर एक्सरसाइज बी एंड सी करी है ना, उसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।